Welcome to you all. Myself Raj Yadav and I am your English teacher. So dear children, today our topic is sentence. जैसा कि हम सभी जानते हैं, sentence बहुत ज़्यादा important topic है English grammar में. हमें कुछ भी बोलना हो, कुछ भी लिखना हो, तो हम सारे का सारा material जो है sentence के द्वारा ही करते हैं. ठीक है? तो in this video lecture we will discuss sentence and how many types of sentence. एंड लास्ट तक आप बने रहिए और लास्ट में हम आपको एक ऐसी ट्रिक देंगे जिससे कि आपको सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ सेंटेंस देखेंगे और ऐसे देख के और आप एक बार में ही बता देंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है. ठीक है? तो लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस आर डिवाइडेड इंटू फाइव काइंड्स. ओके, लेट अस सी फाइव काइंड्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? ठीक है? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है. ठीक है? ऐसे एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड, तो वर्ड्स का एक ग्रुप होगा और उसका कंप्लीट सेंस निकलेगा, यानी उसका कोई अर्थ निकलेगा. जैसे यहां पर देखते हैं हम एग्जाम्पल में, राम इज गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है, सेंस निकल रहा है, कोई बात पूरी हो रही है, तो राम एक अच्छा लड़का है. ठीक है? अगर हम ऐसे, ये सेंटेंस हो गया. ठीक है? अगर हम इसे ऐसे करें, इज गुड बॉय राम ए, सेंटेंस तो यही है, लेकिन यहां पे इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है और ना ही किसी ग्रामेटिकल वे से ये सेंटेंस सही है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ. ठीक है? तो हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते, हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं. तो आया समझ में? ठीक है? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ उसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए, उसी को सेंटेंस कहते हैं. ठीक है? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है. ठीक है? आगे लेट अस मूव. लेट अस मूव ऑन द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट. हियर आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो ये कंप्लीट सेंस है. ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? ठीक है? तो ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि आपको पूछने का कार्य किया जा रहा है. नेक्स्ट, डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हैं? ठीक है? तो सेंटेंस है ये भी. और नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस है. आगे हम फिर ये, अब हम ये स्टडी करेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस. हम एक सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा सेंटेंस है. तो लेट अस सी, देखिए kinds of sentence. First of all, see kinds of sentence. Sentence are divided into five kinds. जो sentence होते हैं, five kinds में divided होते हैं, यानी पांच तरह के sentence होते हैं आपके, पांच तरह के. ठीक है? Let us see. First, पहला होता assertive sentence, और उसी को हम declarative sentence भी कह देते हैं. आप कोई भी दो नाम है एक चीज के, आप कोई भी नाम ले लीजिए, वो था करेंगे. ठीक है? दूसरा है interrogative sentence. तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस. चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस. इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है? फर्स्ट वन, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. द सेंटेंस दैट डिक्लेयर समथिंग, या फिर हिंदी में आप ऐसे कह सकते हैं, वे सेंटेंस जिनके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, उन्हें हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम गोज टू आगरा, राम आगरा जाता है. तो हेयर, यहाँ पे एक और पहचान रखनी होती है आपको कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है. तो हेयर राम इज अ सब्जेक्ट एंड गोज टू आगरा, और यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ ही है, सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पे खत्म होगा. ये भी माइंड है आपके, एक पहली ट्रिक ये थी आपके पास. ठीक है? दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल, ये व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है. ठीक है? तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है,
आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपका क्या नाम है, तो आप बताओ माय नेम इज दिस, ओके। तो और इसकी एक और पहचान है कि इसके लिए ट्रिक आपके लिए ये है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड, ठीक। एंड अवर थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस, वे सेंटेंस द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, जो सेंटेंस से किसी को रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, किसी से ऑर्डर दिया जाता है, तो वो सारे के सारे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जैसे आपके लिए प्लीज गिव मी योर बुक, ठीक है, और ऐसे करके आप देख सकते हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनकी ये होती है, ये भी फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, ठीक है, माइंड में कैप्चर करना है, आगे मैं आपको पूरी बताऊंगा। तो ये फुल स्टॉप पे एंड होते हैं और सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं, ठीक है, मेन वर्ब से भी शुरू होते हैं, वो हम इसके बारे में पूरा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जब हम किसी चीज को अचानक देख लें, ठीक है, और उसे देखने के बाद जो हृदय में, जो अपने हार्ट में एक साथ जो भाव उत्पन्न हो, ठीक है, पहले वाली जो फीलिंग थी वो वाली फीलिंग नहीं रहे, दूसरी फीलिंग आ जाए, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे कोई एक लड़का है, ठीक है, उसने किसी लड़की को देखा, अब लड़की सुंदर है तो लड़का जनरली कहेगा हाँ वो सुंदर है, ठीक है। अगर किसी और लड़के ने उसी लड़की को देखा और वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है तो कहेगा अरे लड़की कितनी सुंदर है, ठीक है, तो क्या हुआ, सुंदर है, अरे कितनी सुंदर है, इन दैट कंडीशन जो फीलिंग का चेंज होगा, अरे तो उसका जो पूरी फीलिंग हुई वो पूरी की पूरी चेंज हो गई, तो वहां पे हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसे पहचानने की ट्रिक ये है कि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया रखा होगा और मोस्टली क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ये पूरी की पूरी टेक्निक हम वीडियो पर एंड में आपको देंगे, जिससे एक ट्रिक जिससे आप सारे सेंटेंस पहचानना। लास्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, वे सारे के सारे सेंटेंस जो किसी के लिए भी दुआ, अभिशाप और इच्छा को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हाँ अगर ऐसा होता तो ये होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस क्या होता है। लेट अस सी इन डिटेल योर फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, अ सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो किसी बात के होने या ना होने की सूचना देते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी रीड्स अ बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक को रीड करता है, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और राम इज नॉट प्रेजेंट, राम अभी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। दोनों ही, ये बात आपको माइंड में रखनी है कि दोनों ही जो सेंटेंस हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट से शुरू हैं और फुल स्टॉप पे एंड है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। असर्टिव सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आएगा और सब्जेक्ट से शुरू होगा, जैसे यहाँ पे है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक एफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जो है जिसमें एग्री होता है वही तो अफर्मेटिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ एक सब्जेक्ट है और ये फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। ये चीज माइंड में कैप्चर कर लेना, क्योंकि हम हमेशा औरों से अलग पढ़ाते हैं और जो टीचिंग क्वालिटी होती है जो बच्चा सीखे हम उस पर हमेशा फोकस करते हैं, तो आप भी सहयोग करें उस चीज में, ठीक है। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू इज एन इंडियन पोएटेस, ठीक है, तो हियर सरोजिनी नायडू इज अ सब्जेक्ट एंड यहाँ पे फुल स्टॉप, तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव में कौन सा हो गया, एफर्मेटिव हो गया, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अ नेगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस डिनाइल, डिसएग्रीमेंट और रिफ्यूजल। डिनाइल, डिसएग्रीमेंट और रिफ्यूजल, इनके साथ मतलब जब भी ये वाक्य में किसी में सो होंगे तो नेगेटिव, नॉट, नो, ऐसे करके एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे
वी कैन नॉट स्टे, हम यहाँ नहीं रुक सकते। तो देखिए सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, वी सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा असर्टिव, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे नोट आ गई इसमें, तो ये हो गया असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मोहन सब्जेक्ट हो गया, यहाँ फुल स्टॉप हो गया लास्ट में, और इसमें आ गई नोट, तो ये हो गया असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट और सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे, ठीक है, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट अस सी, आइए देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेकंड, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, जाते हैं, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन लास्ट में, यहाँ पे भी इंटरोगेटिव मार्क लास्ट में। तो ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क लास्ट में दे रखा हो, तो सारे सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। आगे, अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स से इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट वन होता है यस और नो टाइप, सेकंड वन होता है WH टाइप। फर्स्ट लेट अस सी, फर्स्ट वन यस और नो क्वेश्चंस। अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड यस और नो, वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए, ठीक है, और आप उसका आंसर कुछ ना दें, केवल ये कह दें यस और नो, या तो यस कह दें या नो कह दें, और उसका आंसर पूरा हो जाए, तो वो यस और नो टाइप हो गया, ठीक है। और जिसका आंसर यस और नो से पूरा ना हो, वो आगे वाला है WH वर्ड, जिसमें कुछ मतलब कुछ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो WH टाइप हो जाएगा। जैसे यस और नो टाइप को देखते हैं, डू यू ईट द फूड, क्या तुम खाना खाओगे, अगर तुम खाना खाओगे तो हाँ यस, अगर नहीं खाओगे तो नहीं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, यस, अगर खेलोगे तो आप कह दो ना यस, तो मतलब यस का ही मतलब क्या हो गया, हाँ मैं खेलूंगा, ठीक है, नो नहीं मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है। तो जहां पे सेंटेंस यस और नो टाइप से हो जाए, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से मॉडल से शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो वाले यस और नो टाइप होते हैं, ठीक है। लेट अस सी, देख लेते हैं ना आगे। डज ही राइज अर्ली, क्या वह जल्दी उठता है, अगर उठता है तो यस, नहीं उठता है तो ऑब्वियसली नो, ठीक है। तो ये हो गया यस और नो टाइप। शुड बी स्टार्ट द मूवी, क्या हमें मूवी स्टार्ट करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो यस, और नहीं करनी चाहिए तो नो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, दैट इज WH क्वेश्चन, जो यस और नो से आंसर नहीं दिए जा सकते, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक ये कि जिनमें WH वर्ड से ही शुरू हो, हु, whom, whom, when, ठीक है, तो ऐसे, और उनको जो भी क्वेश्चन है यस और नो से आंसर ना देके हम आंसर बताएं उसका। जैसे आपसे कोई कहे आपके स्कूल का क्या नाम है, तो आप कह सकते हो यस, आप कह सकते हो नो, नहीं कह सकते, क्योंकि उस कंडीशन में हमें उसका नाम बताना पड़ेगा स्कूल का, कि हम उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहां पे जो सेंटेंस होगा ये WH टाइप होगा, ठीक है, ओके। लेट अस सी, देखते हैं। When did he go to Mumbai? ठीक है, When did he go to Mumbai? वह मुंबई कब गया, तो हम बताएंगे कि 2014 में वो मुंबई गया था, 2018 में गया था, या फिर अभी नहीं गया है, या फिर जो भी वॉट एवर द कंडीशन। लेकिन यहाँ पे हमें आंसर देना होगा, हम यस और नो से काम नहीं चला सकते। इन दैट कंडीशन द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज WH क्वेश्चन टाइप, ओके। एंड लेट अस सी सेकंड, Who is your father? आपके पिता कौन है, तो आप कह, आप ये तो नहीं कह सकते यस, आप ये तो नहीं कह सकते नो, तो इन दैट कंडीशन यू विल गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना होगा, आप बताओगे मेरे पिताजी का नाम डेट एस ये है, ठीक है। तो जहाँ आंसर देना हो वहाँ WH होता है, या नहीं देना हो वहाँ यस और नो होता है। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे सारे के सारे सेंटेंस, या फिर वो सेंटेंस जिसमें हम किसी से लिए रिक्वेस्ट करें, ऑर्डर दें, एडवाइस दें, सजेशन दें, तो इस सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। लेट अस सी, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, वो सेंटेंस जो कमांड दे,
ऑर्डर दे एंड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट दे और सजेशन दे और कोई एडवाइस दे, वो सेंटेंस कौन सा होगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। लुक एट द एग्जांपल, हेल्प द पुअर, ओके। तो यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि गरीबों की सहायता करो, ठीक है। आगे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जब गर्मियां होती हैं, ठीक है, तो आपसे डॉक्टर लोग या घर के लोग कहते हैं बेटा बहुत ज्यादा पानी पिया करो, ठीक है। तो वहां पे वो आपको एक सजेशन देते हैं, ये सजेशन हो गया। प्लीज पोस्ट द लेटर, प्लीज आप जहां प्लीज आ गया काइंडली आ गया, वहां पे हमेशा याद रखना ये सेंटेंस की ट्रिक है, वहां पे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गया प्लीज पोस्ट द लेटर, कृपया लेटर को पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर रहा है जो पर्सन है। नेक्स्ट, डोंट सिट ग्लू द टेलीविजन, यानी टेलीविजन से चिपक कर मत बैठिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, अरे टेलीविजन से चिपट कर मत बैठिए, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस इंपरेटिव सेंटेंस जो भी ऑलवेज एंड होगा वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, ये छोटी सी बात आपको याद रखें, ठीक है। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो अचानक से होने वाले हृदय के भावों को उत्पन्न करता है, ठीक है। अचानक से भाव कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अगर कोई आप ही हो और आपसे कोई आके कह दे आप एग्जाम में पास हो गए, तो उसने तो ये कहा आप एग्जाम में पास हो गए, तो अरे एग्जाम में पास हो गया, तो हृदय का जो भाव है वो चेंज हो गया, ठीक है। और कोई कह दे आपसे आप एग्जाम में फेल हो गए, तो अरे फेल हो गया यार, तो वो तुरंत ही जो भाव का चेंज है वो बदल जाएगा, ठीक है। इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ जॉय, जो फीलिंग हो सकती है वो आनंद की भी हो सकती है, सौर दुख की भी हो सकती है, वंडर एंगर शानदार भी हो सकती है फीलिंग, और फीलिंग जो है वो गुस्से की भी हो सकती है, मे बी एनी कोई भी फीलिंग हो सकती है, लेकिन हृदय का जो भाव है वो अचानक उत्पन्न होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे हाउ कूल्ड द नाइट इज, ये बात अपने दिमाग में हमेशा कैप्चर करनी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य आएगा, ठीक है। तो हाउ कूल्ड द नाइट इज, तो इससे हम कह सकते हैं हाउ कूल्ड द नाइट इज, अरे कितनी सर्दी है रात में, या फिर कितनी ठंडी रात है। वैसे तो जनरली जो नाइट होती है वो इतनी ठंडी नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग अरे कितनी ठंडी नाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन जा रहा है कि वो व्यक्ति चौंक रहा है रात में कितनी ठंड है आज, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी की तरह वर्क कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, अरे कितना सुंदर शहर है, ठीक है। अब ऐसे कहता दिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ये हो जाता असर्टिव। अब वो कहना व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, अरे कितना सुंदर शहर है, तो हियर व्हाट और यहाँ पे क्या हो गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होते हैं, जनरली ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चन पेपर इज, क्वेश्चन पेपर कितना डिफिकल्ट है। वैसे तो थोड़ा बहुत कठिन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो कुछ नहीं, लेकिन अरे कितना डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो चौंक रहा है, तो यार देखिए हाउ से शुरू हो रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जा रहा है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, व्हाट अ ग्रेट सफलता, अरे क्या शानदार सफलता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड से शुरू हो रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है आपको, ठीक है, जनरल फॉर्मेशन है, याद रखिए हम हमेशा पढ़ाने की क्वालिटी पे फोकस करते हैं, इसीलिए आपको उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर करके चलते हैं। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही होगा, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है।
क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो ये इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। आगे व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, दिखाई दे रहा है कंप्यूटर जी? तो यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब फॉलो नहीं हुई, तो इन दैट कंडीशन ये एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता और भी हो सकता है, वो कब क्या हो सकता है बाद में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपको इतनी चीज माइंड में कैप्चर करनी है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इंटरोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इंटरोगेटिव नहीं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, व्हाट देख लिया, अरे सर ये तो इंटरोगेटिव है, तो वो सारे का सारा डाउट आप आज हम इसके वीडियो के बाद में क्लियर करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, उन सेंटेंस के द्वारा, ठीक है, एन ऑप्टेटिव एक्सप्रेस विश डिजायर और प्रेयर, किसी के लिए हम दुआ दें, किसी के लिए हम बददुआ दें, या अपनी कोई इच्छा को व्यक्त करें। काश में ऐसा होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई विल, जो भी मैं ये करता वो कर, ठीक है। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो तो या तो कोई इच्छा होगी या किसी को दुआ देंगे या किसी को बददुआ देंगे, ठीक है, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल, इफ ओनली आई वर रिच, ये उस जो पर्सन है वो अपनी डिजायर, जो भी मतलब उसकी इच्छा है उसे बता रहा है कि इफ आई वर ओनली, का केवल मैं ही अमीर होता, ठीक है, तो ये उसकी इच्छा है। आगे मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, आप एक लंबी जिंदगी जियो, ठीक है, वो कहते हैं ना जुग जुग जियो, यही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह वर्क कर रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगता है, वो सब हम अभी इस वीडियो के बाद आपको लेटर सॉरी सेंटेंस को एक ऐसी ट्रिक देंगे कि आप बिना सेंटेंस को पढ़े बता देंगे कि सेंटेंस कौन सा है इसके बाद। अभी अगला मे ही गो टू हेल, वो नरक में चला जाए, खाई में चला जाए, तो इन दैट कंडीशन वी विल गिव हिम, क्या दे रहे हैं हम उसे, अभिशाप, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन आवर ट्रिक, देखिए ट्रिक के बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब वीडियो एंड होगा तो हम आपको एक बहुत अच्छी सॉलिड ट्रिक देंगे और आप उस ट्रिक की हेल्प से कोई भी सेंटेंस है तो आप उस सेंटेंस को तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये है आपका फुल स्टॉप, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। ट्रिक माइंड में रखना, आप कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक के बाद है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अब शुरू में हमें ये डाउट होता है कि सर पता नहीं कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, कई बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर तुक्का मार देते हैं, इन दैट कंडीशन वो नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि अगर फुल स्टॉप है सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, तो वो सेंटेंस या तो असर्टिव होगा या फिर वो सेंटेंस इंपरेटिव होगा, सही, शॉर्टकट यही लिख रहा हूं मैं भी, तो या तो असर्टिव होगा या इंपरेटिव होगा, ठीक है। अगर ये वाला साइन है क्वेश्चन मार्क तो आपको 100% क्लियर है कि वो जो सेंटेंस होगा वो आपका इंटरोगेटिव ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है। अभी समझना, अगर ये वाला मार्क है तो या तो एक्सक्लेमेटरी होगा या फिर ऑप्टेटिव होगा, ठीक है। अब ट्रिक मैट्रिक, दूसरी ट्रिक कि फुल स्टॉप तो है, ठीक है, अगर क्वेश्चन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और लास्ट में जाके फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखता हूं मैं, राम गोज टू दिल्ली, ठीक है, तो यहां पे देखिए राम से सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट है राम, और यहाँ पे फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, तो ये वाला सेंटेंस हो गया असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये बताया था, या तो ये इंपरेटिव होगा, इंपरेटिव कब होगा कि इसका एंड जो है वो तो फुल स्टॉप हो लेकिन शुरू सब्जेक्ट से ना हो, इतनी याद रखना, कभी मे से शुरू हो जाता है, कभी प्लीज से शुरू हो जाता है, कभी लेट से शुरू हो जाते हैं, तो इनमें आपको ये याद रखना है ट्रिक कि फुल स्टॉप से एंड हो और शुरू में सब्जेक्ट नहीं हो, क्लियर। अब आप पहचान लेंगे आई होप, मुझे ऐसा लगता है।
अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस ना पे भी इंटरोगेटिव मार्क देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस इसी की बात ठीक है। नेक्स्ट अगला एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव ठीक है। जब कभी भी आप कोई भी सेंटेंस देखें बिना पढ़े ही तो उसके लास्ट में देखेंगे तो उसमें ये वाला अगर मार्क लगा हुआ है सही है तो दो ही पॉइंट जाती है एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव ठीक है। ऑप्टेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव जो होगा मे या वुड इनसे जनरली शुरू होता है तो आप इसे देख के 100% ये ट्रिक काम नहीं कर रही है यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि मे और वुड से शुरू हो जाती है बाय द सेंस आप पहचान सकते हैं कि उसमें दुआ वद्दुआ विषयक क्या दिया जा रहा तो इसे पहचान लेंगे। एक्सक्लेमेटरी जनरली क्या होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म हो जाता है जनरली तो जनरली हम पढ़ा रहे हैं बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बेसिक लेवल से ये टेक्निक आपके लिए वर्क करेगी ठीक है। और इसमें